हम पढ़ रहे थे कि संस्कृतिकरण के जो विशेषताएं हैं, इसमें हमने संरचनात्मक परिवर्तन को देखा था। इसके बाद हम अग्रिम समाजीकरण यानी कि पद प्राप्ति से पहले ही जो कार्य है उसको समझना। तो जैसे कि हमारे आरएस जो होते हैं अधिकारी, तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसमें वो पद प्राप्ति से पहले ही जो हो समझ जाते हैं सब सभी कार्यों को, तो इसको ही अग्रिम समाजीकरण कहते हैं। तो ये जब इन जातियों का संस्कृतिकरण होता है, तो ये संस्कृतिकरण के माध्यम से जो उनको पद प्राप्त होने वाला हो, मतलब भविष्य में जिस जाति के जैसे बनने की इनकी आकांक्षा है, तो उसका ये प्राप्त करते हैं। उसकी जो जो कार्य है वो पहले ही सीख लेते, उसके मूल्य पहले ही सीख लेते हैं। तो संस्कृतिकरण जो मॉडल है, वो मॉडल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और प्रभु जाति। तो प्रभु जाति जो होती है, इसकी कुछ विशेषता होती है, जैसे संख्या बल होता है इनके पास ज़्यादा, इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, राजनीति में इनकी अच्छी भागीदारी होती है, और इनका जातीय स्तर में उच्च स्थान होता है, लेकिन जरूरी नहीं। जैसे कि हम राजस्थान में मीणा और गुज्जर जाति को देखें, तो ये भी अपने आप को जो प्रभु जाति में स्थापित करती है, लेकिन जो जातीय व्यवस्था है इसमें उच्च नहीं है, और इसमें एक स्थानिक प्रतिष्ठा भी एक महत्वपूर्ण तत्व रहता है। और इसके जो संस्कृतिकरण के स्रोत और कारण और प्रोत्साहन तत्व हम देखें, तो सबसे पहले आएगा राजनीतिक सत्ता एवं शासक वर्ग। ठीक है, तो जिनके पास राजनीतिक सत्ता होती है, तो उनके जैसा वो जो प्रजा है, उनके जैसे ही बनना, उनके जैसे देखना चाहती है, तो ये इसका स्रोत है संस्कृतिकरण का। उसके बाद जो पाश्चात्य जो हम ब्रिटिश काल में सभी को शिक्षा मिली, जब सबने अपने अधिकारों को जाना और जो समानता की भावना फलीभूत हुई, तब एक संस्कृतिकरण ने अपना जोर पकड़ा। इसके बाद जो आधुनिकीकरण में जो आधुनिक जो मूल्य है समानता का, उसने भी एक संस्कृतिकरण में अपना ही योगदान दिया है। इसके बाद यातायात और नगरीकरण, इससे जो मिलाप हुआ बहुत सारे लोगों का, तो मिलने से जो उच्च और निम्न का जो भेद था वो खत्म हुआ, और जो दृढ़ जाति बंधन था वो भी कहीं ना कहीं टूटा। बड़े नगर तीर्थ स्थान, यहाँ पे सांस्कृतिक विचारों का आदान प्रदान हुआ। इसके साथ ही जो संवैधानिक जो हमने अधिकार प्रदान किए, जैसे 1955 में हमने अस्पृश्यता का उन्मूलन किया, तो इससे भी एक संस्कृतिकरण का महत्वपूर्ण इसमें योगदान रहा। विशेष विवाह अधिनियम जो 1954 में, और अंतर जाति विवाह अधिनियम, जो ये विशेष विवाह जो अधिनियम था, ये अंतर विवाह से संबंधित था, और निम्न जाति का राजनीतिकरण हुआ, मताधिकार और चुनाव लड़ने से सुधार आंदोलन, जैसे ज्योतिबा फुले का प्रार्थना समाज और भीमराव अम्बेडकर ने जो सुधार आंदोलन चलाए, इसका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो संस्कृतिकरण की अगर आलोचना की जाए, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जटिल और विषम संस्कृतिकरण जो है वो एक जटिल और विषम प्रक्रिया है, और इसका तथ्य जब विश्लेषण करते हैं, और सिद्धांत जो है ये व्यवहारिक नहीं है, इसमें लंबवत गतिशीलता उपस्थित नहीं है, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र हैं। तो अब जो सिद्धांत में तो ये कहा जाता है कि ये जातियाँ इन जातियों के समान हो जाती है, लेकिन वास्तव में इन जातियों के समान नहीं हो पाती है। और एक
अस्पष्टता है, इस कारण ये ऐसा नहीं कर पाती। अनेक विरोधाभासी तत्व है, जैसे राजकीय जो आदेश होते थे पुराने समय में, तो वो किसी भी व्यक्ति को उच्च बना देते थे, ठीक है। संस्कृतिकरण जैसे आदेशों से उच्च परिस्थिति प्राप्त कर लेते थे कुछ वर्ग, ठीक है। और सांस्कृतिक और सरस, इसलिए यह कहा जाता है कि यह न तो एक सांस्कृतिक परिवर्तन है और न ही संरचनात्मक परिवर्तन है।